ऋतुराज सर, आज नीतीश कुमार ने सबसे पहली बात है कि मैंने संयोजक पद के लिए कह दिया कि अब हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्या भविष्य है अब जदयू? देखिए, जदयू पार्टी के ऊपर आज तो कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार रहे हैं इंडी अलायंस का, तो कहीं ना कहीं एक बिहारी के तौर पे लगता है कि नीतीश कुमार जी का तिरस्कार किया इंडी अलायंस ने। पहले तो छः महीना लटकाया, टहलाया, घुमाया और अंत में चेयरमैन का पद उस खड़गे जी को दिया जिन्होंने अभी दो दिन पहले राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया। तो एक बिहारी के तौर पे बुरा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इस बात का भी संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम की जो सुनामी 2024 के चुनाव में आने वाली है और बन रही है, उसके संकेत स्पष्ट हैं, उसको देख के इंडी अलायंस इकट्ठा होने से पहले ही शायद बिखर के तितर बितर ना हो जाए। लालू यादव का नाम आगे किए हैं संयोजक के लिए। देखिए, अब क्या कहा जाए, ये लोग जो है ना अपना नेता तय कर पाए, 6-8 महीना तो हो गया, ना इनकी कोई नीति स्पष्ट हुई और नियत हम सब जान ही रहे हैं। ये साथ इंडी अलायंस अगर साथ आया तो देश के किसी मुद्दे पे नहीं आया, आया पी और पी के लिए। पहला पी मतलब परिवार बचाओ और दूसरा पी मतलब प्रॉपर्टी बचाओ, तो इतना ही उद्देश्य था। और ये लोग सिमट जाएंगे, मोदी जी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं और जनता ने मन बना लिया है। अब वो अलायंस बने ना बने, संयोजक ये हो या वो हो, फायदा कुछ नहीं होने वाला। ऋतुराज जी कहीं बने, ऋतुराज जी कहीं पलटी मार वाली छवि इनके आड़े तो नहीं आ गई ना? देखिए, इसके ऊपर अभी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। मैं आप सबको पूरी पंजाबी बिरादरी की ओर से लोहड़ी की लख लख विधाइयां देता हूं जी, और आपका साल अच्छा बीते, परिवार के लिए अच्छा बीते और बिहार की तरक्की में जिस तरह से पंजाबी बिरादरी सहयोग करती है, रोजगार के रूप से, कारोबार के रूप से, टैक्स भरने के रूप से, मुझे लगता है इस बिरादरी से हम सब बिहारियों को कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। सर आखिरी सवाल है सर, कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक बनना ही नहीं चाहते थे, उनको प्रधानमंत्री बनना था, इसीलिए ये सब जो है प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर। देखिए, नीतीश कुमार जी क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, ये नीतीश कुमार जी भी शायद ठीक से नहीं जानते। भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी ऋतुराज सिन्हा बिहार से केंद्र में भाजपा की कमेटी में अकेले हैं और कहे कि पटना साहिब सीट की दावेदारी के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर उन्होंने आईना दिखा दिया। मैं मनोज चतुर्वेदी, कैमरामैन प्रेम के साथ, पटना।